प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज हम सब निकालना सीखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन टू लाइंस, यानी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने की विधि, मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। प्रिय बच्चों, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों रेखाओं के समीकरणों को बीजगणित की विधि से हल करके यक्स तथा वाई का मान ज्ञात करते हैं। यक्स और वाई के ये मान क्रमशः प्रतिच्छेद बिंदु के यक्स और वाई निर्देशांक होते हैं। टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स एंड वाई बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस यूजिंग द मेथड ऑफ एलजेब्रा। दीज वैल्यूज ऑफ यक्स एंड वाई आर द यक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट रिस्पेक्टिवली। कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे हमने निकाला बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट पी यक्स वाई, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट पी यक्स वाई। यक्स क्या है हमारा बच्चों, यक्स कोऑर्डिनेट है। वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। यक्स कोऑर्डिनेट को आप दिशा कहते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। यक्स कोऑर्डिनेट का रिलेशन यक्स अक्ष से होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन वाई अक्ष से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x plus 3y equal to 5 and 3x minus y equal to 2। यानी दो लाइनें गिवन है। एक बच्चों एक लाइन ये है, इसे हम इस लाइन का इक्वेशन मान लीजिए गिवन है 2x plus 3y equal to 5, और दूसरा लाइन ये है इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है बच्चों 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दो लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस P पॉइंट पर x और y का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। क्या करना है, P पॉइंट पर x और y, P पॉइंट पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। यही कोऑर्डिनेट जो है हमारा क्या कहा जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या कहा जाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आर है, फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है बच्चों 3x माइनस y इक्वल टू 2, यह इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हम निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट यानी 2x 5
प्लस थ्री वाई का ट्रांसपोज करेंगे माइनस थ्री वाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा फाइव माइनस थ्री वाई बाई टू। इसका नाम दे दिया हम इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इस एक्स की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकेंड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। Putting the value of x in equation second, we get, put कर दीजिए थ्री, पहले इक्वेशन सेकेंड को लिख लेते हैं, थ्री x माइनस वाई इक्वल टू टू। अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे थ्री, द वैल्यू ऑफ एक्स फाइव माइनस थ्री वाई बाई टू, फिर माइनस वाई इक्वल टू टू। अब बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री फाइव जा 3 5 15 माइनस 3 3 जा 9 वाई बाई टू, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं वाई बाई वन इक्वल टू टू। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इंप्लाइज दैट इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9 वाई एंड इट इज, इससे डिवाइड करेंगे 2 आया तो यहाँ पर हो गया माइनस 2y इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 2y1। क्लियर, इतना नोट कीजिए। तो अगले स्टेप में हो जाएगा बच्चों ये 15 9 2 माइनस 9y माइनस 2y, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 11y अपॉन 2 इक्वल टू 2y1 बाय क्रॉस प्रोडक्ट, बाय क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट ये हो जाएगा 15 माइनस 11y इक्वल टू 4। अब 15 का ट्रांसपोज करेंगे माइनस 11y इक्वल टू 4, 15 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे, इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा माइनस 15 इंप्लाइज दैट माइनस 11y इक्वल टू माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, ठीक है, y इक्वल टू 11 बाई 11, 11 से 11 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of, putting the value of, putting the value of y, putting the value of y, y महाराज सही बन जाओ, putting the value of y in equation third, in equation third we get, we आइए पुट करते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू फाइव माइनस थ्री वाई है, थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाय टू, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, फिर इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू टू बाई
टू, टू से टू कैंसिल आउट, इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों वन, क्या आई वन, ठीक है। इतना नोट कीजिए, तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस पी, इंटरसेक्शन पी एक्स वाई फाइंड हो गया बच्चों, पी द वैल्यू ऑफ एक्स इज वन, द वैल्यू ऑफ वाई इज वन, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ द पॉइंट। ये हो गया बच्चों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट, गिवन टू लाइंस ठीक है, इसको नोट कीजिए, मिटा दे। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x + 2y = 6 एंड 5x - 2y = 10। इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये लाइन है हमारा L1, इस लाइन का नाम है 3x + 2y = 6 और एक लाइन ये है, इस लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 5x - 2y = 10। अब हमें ये इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन लाइनों का, ठीक है, ये पी एक्स वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चों, पी एक्स वाई, ठीक है, इन लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पी एक्स वाई फाइंड करना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। गिवन लाइंस आर पहला लाइन गिवन है 3x + 2y = 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड लाइन गिवन है बच्चों 5x - 2y = 10। प्रिय बच्चों सेकंड लाइन हमारा है 5x - 2y = 10। अब लिखेंगे प्रॉम्प्ट पर, प्रॉम्प्ट इक्वेशन पर, अब इसे हम निकालेंगे 3x 2y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, जाएगा बच्चों 6 - 2y और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट यस = 6 - 2y / 3। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस यक्स की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू एक्स इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। तो 5x पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x - 2y = 10। अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 5, x के प्लेस पर लिखेंगे बच्चों 6 माइनस
टू आई बाई थ्री, फिर ये माइनस टू आई इक्वल टू टेन, क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे फाइव थ्री जा फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव टू जा टेन वाई बाई थ्री, माइनस टू वाई बाई वन लिख सकते हैं इक्वल टू टेन। अब इसको बच्चों एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आएगा थ्री, ये एस इक्वल हो जाएगा थर्टी माइनस टेन वाई, अब इससे डिवाइड करेंगे थ्री, थ्री का टू से मल्टीप्लाई होगा माइनस सिक्स वाई इक्वल टू टेन बाई वन, और सिंप्लीफाई करेंगे थर्टी माइनस सिक्सटीन वाई, क्या हुआ थर्टी माइनस सिक्सटीन वाई डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू टेन बाई वन, ठीक है। अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, क्या करेंगे बच्चों बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, ठीक है, क्रिया गुणा करने पर हम पाते हैं, यहां पर लिखेंगे थर्टी माइनस सिक्सटीन वाई इक्वल टू थर्टी, बहुत से इंप्लाइज दैट माइनस सिक्सटीन वाई, ये थर्टी हुआ, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, इस 30 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, इसका साइन क्या होगा बच्चों चेंज हो जाएगा माइनस 30, ये आया बच्चों माइनस 16y इक्वल टू जीरो, इंप्लाई दैट y इक्वल टू जीरो बाई माइनस 16, जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है जीरो, y की वैल्यू क्या आ गई जीरो, ठीक है। अब इस वाई की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड वी गेट एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस टू वाई, यानी सिक्स माइनस टू वाई के स्थान क्या लिखेंगे जीरो अपॉन जीरो, क्या है जीरो अपान थ्री, एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस जीरो बाई थ्री, क्लियर। तो इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू सिक्स बाई थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू, ठीक है। अब आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट, इंटर आई एन टी ई आर एस ई सी टी इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई, यानी P x के स्थान पर क्या पुट करेंगे टू, y के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों जीरो, ठीक है। ये आ गया इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट P टू जीरो, ठीक है, गिवेन टू लाइन ये हो गया आंसर। नोट
कीजिए, गिरा दे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड 6x माइनस y इक्वल टू 9। क्वेश्चन कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड 6x माइनस y इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है। ठीक है बच्चों, ये इसकी हिंदी है। पहले इसे हम फिगर के द्वारा क्लियर करेंगे तब सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, यक्ष अक्ष है। क्या है ये, यक्ष अक्ष। और ये बच्चों हमारा क्या है, वाई अक्ष। इसको हम लेट कर लेते हैं वाई अक्ष। ये वाई अक्ष है बच्चों, ये हमारा क्या है, यक्ष अक्ष है। कंडीशन इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि एक लाइन है जो यक्ष अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45, यानी ये लाइन यल मान लिया हमने। क्या मान लिया, यल। ये लाइन यल जो है यक्ष अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों, 45। कितने डिग्री का, 45। इसका इंक्लिनेशन कितना गिवन है, 45 डिग्री, है ना। इंक्लिनेशन हमेशा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। ये कितने डिग्री का है, 45। और इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ी हुई है, एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड 6x माइनस y इक्वल टू 9। ये लाइन जो है, यह लाइन जो है, ये जो गिवन लाइन है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पासेज हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये लाइन यल है, एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरा लाइन ये है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है हमारा 6x माइनस y इक्वल टू 9। क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट इन गिवन लाइंस का। जब इंटरसेक्शन पॉइंट P निकल आएगा, यानी P से रिप्रेजेंट कर दे रहा है, यानी PXY, जब इंटरसेक्शन पॉइंट P हमारा निकल आएगा तो लाइन यल का हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यम हमारा, हम इससे यम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यम इक्वल टू 10 थीटा। समझ में आ रहा है, तो स्लोप निकल आएगा और ये पॉइंट निकल आएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन यूज करते हुए इस लाइन यल का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। पॉइंट स्लोप पाथ इक्वेशन क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स। अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो पहले बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे।
लाइनों का। इस फिगर को बना लीजिए, अब हम इसको मिटा देंगे, पहले बना लीजिए आप। तो इसमें गिवन लाइंस, गिवन है, गिवन लाइंस आर, पहला लाइंस है 3x + 2y = 12, फर्स्ट, सेकंड है 6x - y = 9, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 3x = 12 - 2y, ये बच्चों x इक्वल टू क्या होगा, 12 - 2y / 3, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में पुट कर दीजिए, सेकेंड क्या है, 6x - y = 9, x के स्थान पर ये पुट करेंगे 6, ये हो जाएगा 12 - 2y / 3, फिर -y = 9, इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो यहीं पर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो सिंप्लीफाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ 24 - 4y, फिर -y = 9, फिर इंप्लाइज दैट 24 - 5y = 9, अब 24 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे बच्चों तो -5y = 9 - 24, इंप्लाइज दैट -5y, 24 में 9 लेस कीजिए कितना आएगा, 15, क्लियर, तो माइनस का 15, ठीक है बच्चों। अब माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, ठीक है, यहां पे लगा देते हैं, फिगर नहीं मिटाते हैं, इतना नोट कीजिए, इतने में लगा, तो y = क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट y = 15/5, 5 × 5 = 15, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3, क्या आ गई, 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 3, अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y PUTTING, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट पुट कर दो भैया, x = 12 - 2 × 3 लिख देंगे,
अपॉन थ्री एफ इक्वल टू 12 माइनस 6 बाई 3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दिख रहा है ना सिक्स बाई थ्री थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स तो इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों एक्स की वैल्यू टू आ गई क्या आ गई टू ठीक है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पी एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 2, 3 ठीक है अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से यह लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे इतना नोट कीजिए मिटा दें yes, उसको मिटा देते प्री बच्चों इंक्लिनेशन थीटा हमारा कितना गिवन है 45 डिग्री ठीक है त्रिज्या निकाल लेते हैं त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा या टेन थीटा निकाल लेते हैं दोनों तरफ टेन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन 45 ठीक है और टेन थीटा क्या होता है यम 45 की वैल्यू क्या होती है वन यम की वैल्यू हमने कितना पॉइंट कर लिया बच्चों वन और पॉइंट गिवन है पॉइंट हमने कितना फाइंड किया है पॉइंट पी 2,3 ठीक है यदि स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है ठीक है पॉइंट स्लोप पॉइंट स्लोप आर पॉइंट स्लोप आर ऑफ ऑफ ए लाइन यर निकालेंगे फार्मूला क्या होता है वाई माइनस वाई वन यम एक्स माइनस एक्स वन ठीक है अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि ये लाइन जो है पी एक्स वाई पी पॉइंट से होकर जा रही है क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी ठीक है सिंस लाइन यल पासेस थ्रू द पॉइंट पी एक्स वाई सो इट विल बी सेटिस्फाई क्लियर सेटिस्फाई करा देते हैं वाई माइनस वाई वन वाई वन की वैल्यू क्या है थ्री यम यम की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया बच्चों वन यस माइनस यस वन यस वन की वैल्यू क्या है टू इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इंप्लाइज दैट वाई माइनस थ्री इक्वल टू यस माइनस टू ठीक है और सिंप्लीफाई करते हैं वाई माइनस यस इस तरफ माइनस टू थ्री का ट्रांसपोज कर देते हैं प्लस थ्री और सिंप्लीफाई करते हैं वाई माइनस यस इक्वल टू वन वन का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं वाई माइनस यस माइनस वन इक्वल टू जीरो ठीक है अब हम बच्चों क्या करते हैं ये वन है अब हम माइनस वन से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है इट इज द राइट आंसर इसको नोट कीजिए बिठा दें प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड 5x माइनस 2y इक्वल टू 10 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 11। ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं 3x प्लस 2y और 5x माइनस 2y बराबर 10 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है तथा रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 पर लंब है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइए इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। एक लाइन है जो दो लाइनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर जाती है, ये लाइनें हमारी गिवन है। क्या है बच्चों, ये लाइनें क्या है, गिवन है। पहली लाइन है 3x प्लस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 दिख रहा है ना, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। और दूसरी जो लाइन है वो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 11। ठीक है, हमारी जो लाइन है जो हमें फाइंड करनी है इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से जाती है, तो पहले इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना होगा x और y। ठीक है, ये लाइन इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर जाती है, ये लाइन यल है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, ये लाइन जो इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर जाती है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो पहले ये लाइन भी बना देते हैं, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है बच्चों, यहां पर लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 11। इस पर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पर, समझ में आ रहा है, है? यानी हमें लाइन एल फाइंड करनी है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? पुनः समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो लाइनें गिवन है, एक लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है जो इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरी लाइन हमारी क्या है 5x माइनस 2y इक्वल टू 10 है। ये बच्चों इसको सही कर देते हैं, दूसरी क्या है 5x माइनस 2y इक्वल टू 10 है। ठीक है, जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो दिए गए लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है, इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है। क्लियर, और दूसरी कंडीशन है, और ये लाइन यल जो है लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये जो हमारा लाइन गिवन है इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्रिएट करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों,
एक्स और वाई के कोफिशियंट को, एक्स और वाई के कोफिशियंट को चेंज कर देते हैं और किसी एक कोफिशियंट के चिन्ह को, किसी एक कोफिशियंट के साइन को चेंज कर देते हैं और दाएं पक्ष में और राइट हैंड साइड में लैम्डा लिखते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशंस का हम बनाएंगे, इस लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका हो जाएगा बच्चों, कंडीशन बनेगा 4x माइनस 3y इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो लाइन होगी 4x माइनस 3y इक्वल टू लैम्डा। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करेंगे। गिवन लाइंस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, ये फर्स्ट, और दूसरा है 5x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इन दोनों लाइन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इन दोनों लाइनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, x की वैल्यू निकल आएगी, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 5x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये दोनों बच्चों कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, क्लियर? 5 और 3 मिलकर के कितना हुआ, 8x, 8x इक्वल टू 16। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 16 बाई 8, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 टू जा क्या आया बच्चों, 16। इसकी मीनिंग ये हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 गिवन है, इसमें पुट कर देते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, 3 टू जा 6 प्लस 2y इक्वल टू 6, देयर इंप्लाइज दैट 2y, इस 6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा, व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू
एन अदर साइड साइन ऑलवेज बी चेंज। ये टू आई इक्वल टू जीरो हो गया तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, Y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों जीरो अपॉन टू। जीरो अपॉन टू की मीनिंग क्या हो गई, Y की वैल्यू क्या आ गई जीरो। Y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों जीरो। समझ में आया, दिख रहा है ना। यस। अब देखिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, पी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब यहां पे इसको मिटा देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, टू और जीरो, ठीक है। अब क्या है, अब तो आ जाएगी, ठीक है, अब आ जाएगी ना। क्या लिखेंगे अब, इसके बाद इसका कंडीशन बनाएंगे, लिख देंगे सिंस द लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट पी टू कामा जीरो सो इट विल बी सेटिस्फाई। तो लैम्डा की क्या होगी, वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर लैम्डा की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, रिक्वायर इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड हो जाएगी, क्लियर। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, चलो प्रिय बच्चों अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये परपेंडिकुलर की साइन है, परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 ईच, क्या हो जाएगा इसमें x और y के कोफिशियंट को इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों इंटरचेंज करेंगे, ये हो जाएगा 4x और ये प्लस के स्थान पे साइन क्या कर देंगे माइनस 3y इक्वल टू, यहां पर क्या लिख देंगे लैम्डा, और इसका नाम बना दिए इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या बना दिए बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ये लाइन एल जो है पॉइंट पी से क्या हो रहा है बच्चों, पासेज हो रहा है, क्या करेगा सेटिस्फाई, लिखेंगे सिंस लाइन थ्री इज पासेस थ्रू द, सिंस लाइन थ्री इज पासेस थ्रू पी एच आर ओ यू जी पासेस थ्रू द पॉइंट पी टू कामा जीरो, टू कामा जीरो सो दिस लाइन, ठीक है, सो दिस लाइन सेटिस्फाई सेटिस्फाई द पॉइंट प्री बच्चों, सिंस लाइन थ्री इज पासेस थ्रू द पॉइंट पी टू कॉमा जीरो सो दिस लाइन सेटिस्फाई द पॉइंट, ठीक है, सेटिस्फाई करा देते हैं।
अब हम एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, टू, और वाई के स्थान पर क्या पुट करेंगे, जीरो। ये देखिए इसको पुट कर दिया, माइनस थ्री यहां पर जीरो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट फोर टू जा एट माइनस जीरो इक्वल टू लैम्डा। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे, एट इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एट। लैम्डा की वैल्यू क्या आई, अब इस लैम्डा की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वी फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवेन लाइन। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x-3y इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 8। अब इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं, 4x-3y-8 इक्वल टू 0। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आने वाले वीडियो में इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट टू गिवन लाइंस पर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।